जानना चाहते हो अपने पार्टनर की दिल की बात, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर के या नहीं। सो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, या फिर साथ रहते हुए भी दूरियां हैं और आप जानना चाहते हो क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो जल्दी जल्दी आपकी विशेस, जल्दी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्या चाहते हैं आप लोग अपनी लाइफ के अंदर। और ये जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से लिंक को क्लिक कर लीजिए और मैसेज छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहा है, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि हम कॉल पिक नहीं कर पाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज दिमाग में रख लीजिए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताइए जिस पर्सन का इमेज व्यूअर्स के ध्यान में है, जिस पर्सन का नाम व्यूअर्स के ध्यान में है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी व्यूअर्स के बारे में। सो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स ले लेते हैं क्या आ रही हैं। सो ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है एंड कोई भी जेंडर इसको देख सकता है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल के आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हो गई है। ओके, कार्ड्स स्प्रेड ले लेते हैं फिर आगे रीडिंग पढ़ते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड आ गया है यहाँ पर नेक्स्ट। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। एट ऑफ वॉन्ड, सो वॉन्ड का कार्ड दोबारा से आया है। ओके जी, सो डेविल आ गया है। ओके, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ निकल के आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड भी आया है। ओके, सो वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा फायर एलिमेंट यहाँ पर आ गया है। एट ऑफ कप्स, कुछ आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे और फिर बाद में दूसरे डेक से देखेंगे क्या उनका एक्शन प्लान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हाई प्रेस्टेस नेक्स्ट आया है। ओके, सो टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, स्टार। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली आ गया है यहाँ पर निकल करके एक्वेरियस, कुंभ राशि, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। हो वाओ, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आई हैं। ओके जी, सो देखिए आपके पार्टनर मेन क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो देखो, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आज आपके लिए बहुत फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। फीलिंग्स आ रही हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के मूड में आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको देख पा रहे हैं, स्टॉक करते रहते हैं आपको, आपके बारे में पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को ये पता है कि आप पहले से ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, पहले से ज़्यादा संभल चुके हो, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है आपने, इंडिपेंडेंट हो चुके हो। कहीं ना कहीं अगर आप पहले इनके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते थे बट अब नहीं हो, अब आप इंडिपेंडेंट भी हो चुके हो, आपने खुद को संभाल भी लिया है, प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेम फेम अच्छा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे हो सकते हो, आप अपने कॉमन प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर हो सकते हैं,
ठीक है, आपको अपने ऊपर खर्च करना, आपको अपने स्टाइलिंग पे खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है कि पहले से ज़्यादा आप इम्प्रूव कर चुके हो, पहले से ज़्यादा आप बोल्ड हो चुके हो, है ना। इस ब्रेकअप के बाद आप और ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके हो। पहले कहीं ना कहीं अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे या फिर आप वीक थे, आप इमोशनल थे, है ना, आप केयरिंग बहुत ज़्यादा थे, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे, पर अब आपने भागना बंद कर दिया है। अब आप शांत हो चुके हो, अब आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो, ठीक है। अब आप ऐसे इतने स्ट्रांग हो चुके हो, देख रहे हो क्वीन कैसे बैठी हुई है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ना। अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आप कोई चाहकर भी आपको अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप कोई चाहकर भी आपको अपनी बातों में फंसा नहीं सकता, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बचे हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, अब किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी कि कोई भी आपको कुछ बोल दे या कोई भी आकर के आपके साथ कुछ भी बात कर ले और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें पहले से बदल गई हैं, है ना। आप में से कई लोग वर्किंग हैं यहाँ पर, राइट, आप में से कई लोग ऑफिस में जाते हैं, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ऑफिस जाते आते भी स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, और ये ही बात आपके पार्टनर को अभी अच्छी लग रही है कि पहले हो सकता है आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन अब आप हो चुके हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, जैसे डे एंड नाइट का चेंज या मून के शेप्स में चेंज या कलर में चेंज होता है, उसी तरीके से आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इनको लगता है कि इनसे अगर, मतलब इनको ऐसा लगने लगा कि अगर आपसे अब कुछ कहा जाएगा ना तो आप किसी को छोड़ोगे नहीं या आप इजीली किसी पे विश्वास नहीं करोगे। अब आप डेफिनेटली अब आप दूसरों के इशारों पे नाचोगे नहीं, ठीक है। पहले ही अगर आपको अपने इशारों पे नचा रहे थे ना कि ऐसा कर ऐसा मत कर, इससे मिल इससे मत मिल, लेकिन अब आप नहीं, अब आप बिल्कुल भी नहीं नाचने के लिए तैयार हो, है ना। लास्ट पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था, डेविल बन गए थे ये, ठीक है। जो मुंह में आया बोल दिया, जो कहा जो कहना चाहा कह दिया, बहुत ही गंदा नेचर हो गया था आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं डेविल का रूप हो गए थे, टॉक्सिक हो चुका था इनका दिमाग और आपको कंट्रोल कर रहे थे, है ना। पहले कहीं ना कहीं आपको इशारों पे नचा रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। झगड़े भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं आप दोनों में, कहीं ना कहीं फ़र्क आता चला गया, समझ में नहीं आया आपको कि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ये सब कुछ बदल गया। सो आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं पास्ट में, ठीक है, आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपाई हैं पास्ट में, और उनको कहीं ना कहीं अब ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपसे जो झूठ बोला, उन्होंने जो आपसे चीज़ें छुपाई, या आपके साथ जो भी उन्होंने चालाकियाँ की हैं, या आपके साथ जो भी उन्होंने धोखा दिया है, बट अब वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, है ना। ये भी सिचुएशन दिख रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने डिस्टेंस ले लिया, आपके पार्टनर दूर चले गए, आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है किसी और की वजह से, ठीक है। सो अभी कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में छानबीन ज़रूर इनकी चालू रहती है ना, इसलिए आपके बारे में इतना कुछ इनको पता है, जान गए हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा कि आप पहले जैसे तो अब बिल्कुल नहीं हो, है ना। अब आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो चुके हो, आपको आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, आप लाइफ को कैरी करना सीख गए हो, आप लाइफ को जीना सीख गए हो, अब आप बहुत अच्छे से खुद को और अपनी लाइफ को अपनी ज़िंदगी को कैरी कर पाते हो। बेसिकली आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, यही बात है जो आपके पार्टनर को अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही है। अब आप इनको स्टार लगने लगे हो, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं,
अब इनको ऐसा लगता है कि आप ना पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक से क्या हुआ, मतलब आप इतने ग्रो कैसे कर गए, आप इतने खुश कैसे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ गए इनके बिना। सो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। लेकिन जैसे हो सकता है आपने अपने लुक्स में बहुत चेंज कर लिया हो सकता है आप जैसे पहले थे, ठीक है, वैसे अब आप नहीं दिखते, है ना। हो सकता है आपने अपने स्टाइलिंग में कुछ चेंज किया हो, आपने अपने कलर सेंस में कुछ चेंज किया हो, या आपने कुछ ब्यूटिफिकेशन करवाया हो, या आपने कुछ अपने अपने अंदर इस तरीके के चेंजेस आपने करवा लिए डेफिनेटली कि अब आप स्टार बन चुके हो, ठीक है। सो ये चीज़ अभी ये देख पा रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, सकता है पहले इनकी इन्होंने आपकी बात ना सुनी हो, बट अभी इनको डेफिनेटली ये रियलाइजेशन हो रहा है ना। और अभी आप में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, अभी आप में इंटरेस्ट आ रहा है। पहले ज़रूर हो सकता है आप में इंटरेस्ट ना हो, पहले चीज़ें झूठ भी बोली गई हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिपुलेट भी की गई हैं, ठीक है। सो अब इनके लाइफ में इनके अंदर ना कुछ थोड़ा सा बिहेवियर चेंज आ रहा है, या मैं बोलूँ कि कोल्ड बिहेवियर चेंज होता जा रहा है थोड़ा हॉट बिहेवियर में। पास में ज़रूर कुछ ना कुछ कोल्ड बिहेवियर रहा है, ठंडे रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स पहले नहीं थी, बट अब डेफिनेटली फीलिंग्स आ रही हैं। अभी ये चाहते हैं आपके साथ कमिटेड होना, ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, ये चाहते हैं आपके साथ हर कलर्स हर रंग इस दुनिया के देखना, लाइफ के देखना। सो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो वो बदलना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इनको इतना अपनी तरफ खींच रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप इम्प्रेसिव इतने ज़्यादा हो चुके हो, तो अब इनको एहसास हो रहा है इनकी गलतियों के लिए। आपको शो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपके पास ऑफ़र आएगा। थोड़ा सा रेजिस्ट भी कर रहे हैं, अपने को रोक के भी रखा है, वेट कर रहे हैं, रुक गए हैं, पैशनेट तो हो रहे हैं लेकिन रोक लिया है। थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं लाइफ के अंदर, है ना। कॉन्फिडेंशियली स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, क्लैरिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। इनको पता है इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, लड़ाइयाँ की, गलत शब्द बोले, बुरी बातें बोली, थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं ये, लेकिन अब ये बहुत जल्द अपनी चुप्पी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक डीप लव इनके दिल में आ रहा है। सो जो भी इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था कहीं ना कहीं खुलने वाला है। सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन इनको ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप आसानी से इनको माफ़ करोगे नहीं, इनकी गलतियों को भुलाओगे नहीं, ठीक है। सो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे इनका कुछ नेक्स्ट एक्शन आ रहा है, क्या क्या प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में। अगर इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो क्या कुछ पॉजिटिव प्लानिंग है या कुछ नेगेटिव प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे हैं ये। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कर दीजिए, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कुछ है इनकी प्लानिंग, क्या कुछ चल रहा है इनके मन में दिल में। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। उनको लग रहा है आपके पास आना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना कुछ बोल चुके, इतना सब कुछ कह चुके, इतना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हुए हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, थोड़े डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी बातों का ध्यान भी रख रहे हैं। अचानक से ऐसे नहीं है कि कूद के आपके सामने आ जाएंगे और बोल देंगे, अभी तो आपसे डर भी लग रहा है उनको। टू ऑफ कप्स का कार्ड देखिए फिर से आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं वो आपको। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं साथ रहने के लिए ही बने हो। एक प्यार भरा इमोशन उनके मन में आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले नहीं था लेकिन अब ज़रूर आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन ज़रूर वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है, तो लिखिएगा रीयूनियन। अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो लिखिएगा मूव ऑन। लेकिन अगर आप लोग नए पार्टनर की तलाश में भी हैं तो रीयूनियन भी आता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग नए पार्टनर की तलाश में भी हैं तो नया पार्टनर भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, एक कमिटमेंट का प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, एंड डेफिनेटली ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो अभी थोड़ा सा थके हुए हैं, अभी थोड़ा सा परेशान हैं, अभी थोड़े से डरे हुए भी हैं।
कुछ प्रॉब्लम में भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, करंट सिचुएशन में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ भी ये अभी है या जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर ये फंसे हुए हैं, अभी रुके हुए हैं। सो ये रुकावट है, अभी आना तो चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स चाहते हैं इनकी विशेस कहीं ना कहीं पूरी हो जाए, विश कम ट्रू हो जाए। तो आपको ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैठ के आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली ये इनका अगला स्टेप यही रहेगा कि ये वो अपनी विशेस को पूरा करना चाहेंगे और आपसे अपने दिल की बात कहना ज़रूर चाहेंगे, पर अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से रुके भी हुए हैं। ओके, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। अगर आप लोग की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी सेम आईडी है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। सो अगर आप इस रीडिंग को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।